हरे कृष्णा सुनिए सभी संतों के बोलो गया तीर्थ महाराज की काम्यवन नाम की। ये जो स्थान है इसको गया तीर्थ बोलते हैं, गया कुंड। भगवान कृष्ण के मात पिता नंद बाबा यशोदा मैया जब उनकी वृद्धावस्था थी, उनके चलना बस की नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने मात पिता नंद बाबा यशोदा मैया के लिए या आदि वृंदावन काम्यवन नाम में 84 तीर्थ चारों धामों को यहाँ बुलाया है। जो ये गया है कि भगवान कृष्ण के मात पिता की जब वृद्धावस्था थी, 80 वर्ष की अवस्था तक उनके कोई संतान नहीं थी। जब उनकी अवस्था जो उनकी कहते हैं उम्र 80 वर्ष की उम्र तक उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने मनोकामना कर रखी कि अगर हमारे कोई संतान प्राप्ति होगी तो हम चार धामों की यात्रा करने के लिए जाएंगे। जब कान्हा 5 वर्ष की अवस्था को है गयो और नंद बाबा यशोदा मैया जब चार धाम यात्रा करवे जावे लगे, तो नंद बाबा कहवे लगे हैं कान्हा पे कि कान्हा हमें अपने पितृगणों के लिए भी तर्पण करनो है, पिंडदान करनो है। तो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी योग माया देवी, तो उन्होंने योग माया देवी से प्रार्थना करके गया कुंड को यहाँ आदि वृंदावन काम्यवन नाम में स्थापित करो है। यहाँ गया में पितरों के निमित्त तर्पण होता है, पिंडदान होता है। एक राजा हुए थे कर्ण, सभी शांति से सुनिए। एक राजा हुए थे कर्ण जो सदा मनी सोने का दान किया करते थे। बेटा ऐसा है ना राजे, 12 बजे पहले पानी लगता आ रहा है, हमारे फोटो उठी है बोलो। ना अन्न दान करा है, ना वस्त्र दान करा है, ना कुछ दिया है, तो तेरे को कैसे मिल जाएगा। तब जाके ब्रह्मा जी ने 16 दिन का जीवन दान राजा कर्ण को दिया है। तो राजा कर्ण इस गया तीर्थ पे आके हर तरीके का दान किया है, अन्न का, वस्त्र का, हर तरीके का। तो 17वें दिन जब वो गोलोक धाम पहुंचे हैं तो वो फल को हाथ लगा रहे हैं, तो वो फल फल ही रह रहा है, सोने का नहीं बन रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा हम अपने पितरों के लिए यहाँ करके जाते हैं वैसा ही उनको प्राप्त होता है। बोलो गया तीर्थ महाराज की। सब हाथ जोड़ेंगे तभी, एक बार हाथ जोड़ लो। अष्ट बने जलनाथ का प्रसाद, ब्राह्मण के वचन, विष्णु के प्रसाद, आपके गया तीर्थ के काम नाम के, मित्रों के निमित्त के, वृक्ष 84 कोष के,
स्नान ध्यान पान यात्रा मणिपुरम फल वस्तु बोलो कृष्ण वल्लभ की लाला रानी की जयतीज महाराज की गुरुजी महाराज की जय जय श्री राधे। नहीं करना है ना कुछ भी तो फिर चलिए आगे मंदिर की दर्शन करते हैं। ये गया तीर्थ है कमलंदा। अब पूछ के कह दे कमलंदा।